आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके साथ मैं रचना बंसल। आपने बहुत बार ये कहावत सुनी होगी, नेकी कर दरिया में डाल। ये एक्चुअल में नेकी करके दरिया में डालना नहीं होता, बड़े बुजुर्ग सिर्फ एक कहावत दोहराते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो फिर ये भूल जाइए कि पलट के वो आपके पास आने वाला है। आप सिर्फ अपने शांत दिमाग से, अपने तरफ से जो आपके सामर्थ्य में हो, वो दूसरों की मदद के लिए आपको अलग अलग तरीके से अपनी इच्छा के साथ डोनेट करना चाहिए या फिर लोगों की मदद करनी चाहिए। एक ऐसी ही तस्वीर मैंने देखी जो कि रायपुर से सामने आई है। रायपुर जहां पर नगर निगम ने एक इनिशिएटिव लिया है, इस इनिशिएटिव की तारीफ भी हो रही है, बहुत से जरूरतमंद लोग हैं जिनकी हेल्प भी इससे हो रही है। तस्वीरों के साथ आपको दिखाऊंगी, साथ ही साथ ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट भी आप देखेंगे वीडियो के एंड में, कि कैसे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, कैसे जरूरतमंद लोगों तक उनके जरूरत का सामान पहुंच रहा है। ये जरूरत का सामान कुछ भी हो सकता है। कई बार हमारे पास पुराने कपड़े होते हैं, पुराने जूते होते हैं, कई सामान ऐसा होता है जिससे हमारा मन भर जाता है, या जो जिस सामान को हम रिटायर कर देते हैं, लेकिन वो घर के किसी भी कोने में पड़ा होता है। रायपुर में यही इनिशिएटिव नगर निगम ने लिया है कि जो सामान आपके पास एक्स्ट्रा है, वो जरूरतमंदों के लिए बहुत फायदा दे सकता है, उनके जरूरत में आ सकता है। सर्दी का मौसम है, बहुत से लोगों के पास गर्म कपड़े नहीं होते हैं, लेकिन शायद आप और हमारे घर में ऐसे बहुत से कपड़े होंगे जो किसी कोने में, किसी बॉक्स में पड़े होंगे, जो इस्तेमाल नहीं हो रहे होंगे। रायपुर में एक ये इनिशिएटिव नगर निगम का नेकी की दीवार के साथ शुरू हुआ है। वो नेकी की दीवार दिखती कैसी है, थोड़ा सा दिखा देती हूँ, बता देती हूँ। एंड में आप इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट देखेंगे ग्राउंड जीरो से। ये वो नेकी की दीवार है। ये जो खाली जगह इस दीवार में छोड़ी गई है, वो इसीलिए यहाँ पर लोग खाने पीने का सामान छोड़ जाते हैं, यहाँ पर लोग अपने पुराने कपड़े या जूते छोड़ जाते हैं, किसी को नया अगर सामान रखना है तो वो भी रख सकता है। ये जगह इसीलिए इस दीवार में छोड़ी गई है। हालांकि कुछ पेंटिंग्स भी इस दीवार पर बनाई गई हैं। ये रायपुर में नगर निगम का इनिशिएटिव है जिसको आसपास के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। जो लोग वेल ऑफ होते हैं, जो पूरी तरह से समृद्ध होते हैं और जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है, वो यहीं इस खाली स्पेस में रख जाते हैं, कुछ लोग दीवार के पास रख जाते हैं। ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, कुछ कपड़े हैं, कुछ जूते हैं, कुछ ज़रूरतमंद लोग आसपास बैठे हुए हैं, वो यहाँ से अपने मतलब का सामान उठा लेते हैं। कुछ खाली फ्लोटर्स भी हैं यहाँ पर, कुछ कपड़े हैं, कुछ गर्म कपड़े हैं, कुछ कंबल मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सामान लोग छोड़ जाते हैं, एक बार फिर से आप देख लीजिए, वही सामान ज़रूरतमंद लोगों के काम आता है। यहाँ पर कुछ टिफिन बॉक्स जैसा नज़र आ रहा है, हो सकता है कुछ खाने पीने का सामान लोगों ने छोड़ा हो, और लोगों ने बताया भी है कि यहाँ से जो हमने कपड़े लिए थे वो हमें कैसे काम आए हैं, यहाँ से हमने जो शूज़ उठाए थे वो अब हमें कैसे हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। साथ ही साथ लोग बता रहे हैं कि बहुत से लोग यहाँ खाने पीने का सामान भी छोड़ जाते हैं, जो लोगों को लगता है दाल चावल रोटी सब्जी वो लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है, और फिर यहाँ पहुंचकर लोग, क्योंकि सब जानते हैं कि यहाँ पर वो सामान होगा जो लोग डोनेट करना चाहते हैं और उन लोगों के लिए जो कि ज़रूरतमंद हैं। तो ये इनिशिएटिव रायपुर के लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, नगर निगम के इस कदम को सराहा जा रहा है। ये कुछ सामान है जो कि लोगों ने यहाँ पर छोड़ दिया, और कुछ ज़रूरतमंद लोग हैं जो इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ से उठा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ संवाददाता की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप देखेंगे तो जान पाएंगे नेकी की इस दीवार की चर्चा कैसे हो रही है, और नेकी की ये दीवार लोगों की जिंदगी में कैसे आसानी ला रही है, कैसे सहूलियत ला रही है, और कैसे उन्हें उनके जरूरत का सामान मिल पा रहा है। वीडियो देखिए। मेरे पीछे एक जो बड़ी सी दीवाल है जिसमें खंड नुमा एक आकार के खिड़की तैयार की गई है, ये जो दरवाजा है, ये जो दीवार है, उससे जो आम लोग होते हैं उसके कई फायदे हो रहे हैं। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नेकी की दीवार है, इसका अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो यहाँ पर जो भी लोग हैं वो अपने जो सामान हैं वो छोड़कर चले जाते हैं, जो उनके काम के नहीं लगते हैं वो सामान यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं, और बात की जाए तो वो सामान जो ज़रूरतमंदों के काम आती है वो यहाँ से ली जाती है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त कुछ जो कपड़े हैं वो भी यहाँ पर लोग छोड़ के जा चुके हैं। अगर सर्दियों के कपड़ों की बात की जाए तो वो कपड़े लोग यहाँ पर छोड़ के गए हैं। यहाँ पे कई लोग मेरे साथ में हैं, मैं इनसे बात करके आपको बताना चाहूँगा कि इनको कितना फ़ायदा हुआ है इस नेकी के दीवार का। भैया चीज फ़ायदा हुआ है हमको, यहाँ पर रोटी कपड़ा सब मिलता है और पहने हुए हैं, और हमको सब चीज़ फ़ायदा मिलता है। क्या भैया ये जो आप कपड़े पहने हैं को क्या आपको इस नेकी की दीवार से ही मिला है? हाँ मिला है, ये पैंट भी पहना हूँ मैं तो यहीं से मिला है मेरे। अच्छा, खाने वगैरह की भी चीजें आपको इस नेकी की दीवार से मिलता है? हमारे बच्चे लोगों को भी मिलता है। बच्चे से जानना चाहेंगे, बताइए आपको कुछ खाने का मिला है इस नेकी की दीवार से? मिला है।
क्या मिला है, क्या खाया है आपने? इधर रोज एक भैया आता है शनिवार को, चावल दाल सब देख के जाता है। अच्छा, सब इस दीवार में छोड़ के चले जाते हैं? हाँ। लोग हम लोग को बांट के बांटते हैं, कार में आते हैं उन लोग। अच्छा, बांट के देके जाते हैं उन लोग। खाना पीना सब मिलते रहता है, बच्चे लोगों को भी देते रहते हैं। तो इस नेकी की दीवार से आप लोगों को फायदे मिल रहे हैं? फायदे मिलते रहते हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि ये जो दीवार है वो कई लोगों की जो परेशानियां हैं उसे कम कर रहा है, क्योंकि सर्दियां बहुत ज्यादा हैं, सर्दियों में के कपड़े जो हैं वो यहाँ से मिल रहे हैं, लोगों को खाने को मिल रहा है। ये जो दीवार है वो निगम ने निर्माण कराया था इसका। पहले यहाँ पर एक पुराना कार्डबोर्ड का दीवार हुआ करता था जो एक दुर्घटना में जल चुका था, लेकिन अब ये जो सीमेंट नुमा ये जो दीवार है वो जो आम लोगों की है वो काफ़ी सहायता कर रहा है। कैमरा पर्सन जयप्रकाश साहू के साथ आनंद शर्मा, इंडिया न्यूज़ रायपुर।